हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बातचीत लास्ट में करेंगे, पहले सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद बातचीत करूँगा। ठीक है, तो पहला मैं करूँगा डिविजिबिलिटी बाय टू। अगर कोई भी नंबर टू से डिवाइड होता है कि नहीं वो चेक करना है। तो मुझे एक चीज़ जान लेना कि किसी भी नंबर का लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाए तो वो टू से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल 24 है ना, तो 24 का क्या है, लास्ट में 4 है, दैट मीन्स क्या ये टू से डिवाइड होगा। या दूसरा बात मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर अगर इवन है दैट मीन्स वो टू से डिवाइड होता है। सपोज कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज 6, 2, 9, 3, 4 टू से डिवाइड होगा, 7, 9, 6, 3, 2, 1। अब यहाँ देखिए लास्ट में 1 है, ये पहला बात ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। और देखिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या, ये डिवाइड नहीं होगा टू से। ठीक है, तो टू का बड़ा इजी है। ठीक है, चलिए मैं थ्री का चलता हूँ, थ्री का करते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर को लेके करते हैं। चलिए, तो सपोज डिविजिबिलिटी बाय थ्री। ठीक है, थ्री का करते हैं। तो कोई भी नंबर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो वो चेक करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, डिजिट्स का सम। ठीक है, जो भी डिजिट्स हैं उसका आपको सम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सपोज 24, मैंने 24 इसीलिए लिया क्योंकि आपको पता है ये थ्री से डिवाइड होता है, ये थ्री के टेबल में आता है ना। तो देखिए 2 + 4 कीजिए कितना आता है, 6, और 6 थ्री से डिवाइड होता है, यस डिवाइड होता है, 3 × 3, 3 × 2 = 6, राइट, दैट मीन्स ये 24 भी थ्री से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा नंबर, सपोज 6, 30, 6, 3, 8, 1 है सपोज। तो देखिए मुझे चेक करना है कि थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा। देखिए 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18, ये तो थ्री से डिवाइड होता है ना, 3 × 6 = 18, दैट मीन्स क्या, ये 6, 3, 8, 1 भी थ्री से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितने भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, वो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, डिजिट्स का सम निकालना है और चेक करना है कि जो सम आया वो थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर सम थ्री से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स जितना भी बड़ा नंबर हो वो थ्री से डिवाइड होगा। क्लियर, चलिए फोर में आते हैं। ठीक है, फोर का अगर आपको करना है डिविजिबिलिटी बाय फोर, तो आपको देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट कहीं 00 तो नहीं है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 00 है दैट मीन्स वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। और या लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो भी 4 का टेबल से वो जाएगा। सपोज ये देखिए वो 4 से डिवाइड होगा, सपोज 1, 32 छोटा नंबर लिया है ना, और सपोज 2, 100, देखिए दोनों केस का ले लिया। देखिए ये लास्ट का 2 डिजिट 00 है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट 00 देखते ही समझ लीजिए ये 4 से डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा, आप लोग करके देखेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए लास्ट का 2 डिजिट 32 है, और ये 32 4 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि तो ये 4 का टेबल में आता है, 4 × 8 = 32, दैट मीन्स क्या, 132 भी 4 से डिवाइड होगा। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर, 1, 5, 9, 1, 5, 6, 2, 6, 1, 2, देखिए कितना बड़ा है ना, लेकिन आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे 4 से जाएगा कि नहीं। हमको इतना बड़ा चीज में से सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 12, और 12 तो 4 से डिवाइड होता है, 4 × 3 = 12, राइट है कि नहीं, 4 × 3 = 12, क्लियर। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। चलिए 5 का आते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 दिख जाए, ये बहुत ही इजी है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 दिख जाए तो वो 5 से डिवाइड होंगे होंगे। ठीक है, सपोज 260, इट विल बी डिवाइडेड 5, 1, 5, 2, 5, 6, 9, 9, लास्ट में 5, लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये 5 से जाएगा है ना। सपोज 3000, 5 से जाएगा, लास्ट में 0 है ना। ठीक है, 9, 1, 2, 5, लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा। ठीक है, ओके, तो 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट, ठीक है, क्या, लास्ट डिजिट
आपका वो 5 से जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है 6 के लिए। ओके मुझे जल्दी जल्दी बताना है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का। तो कोई भी नंबर, सपोज देखिए 18 एक नंबर है, कोई भी नंबर अगर 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 8 है, यस हो रहा है, और 3 से हो रहा है, देखिए 1 + 8 9, आपको तो पता ही है ये 3 का टेबल में 18 है ना, हो रहा है, दैट मीन्स क्या ये 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। ओके अब कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, सपोज 922, ठीक है 522 सपोज, ठीक है तो देखिए चेक करना है मुझे, देखिए 2 से तो जा रहा है करेक्ट, 3 से क्या होगा, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, तो ये तो 3 से, 9 तो 3 से जाता है, दैट मीन्स ये भी 3 से जाएगा, दैट मीन्स 3 के लिए भी ये पास, दैट मीन्स 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये 6 से भी डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा। ठीक है ओके चलो चलिए आप 7 का आते हैं, ठीक है डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके तो आप लोग देखिए 7 का दो रूल है, एक ही रूल है लेकिन उसमें दो कंडीशन हो सकता है। देखिए सपोज ये मैंने डिवाइड, ये मेरा नंबर है, मुझे चेक करना है 7 से जाता है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक सेक्शन बना दूंगा, ठीक है ये देखिए मैं थोड़ा सा गैप करता हूँ, और यहाँ पे एक डिजिट का जो मैंने थोड़ा है ये एक डिजिट को मैं डबल करके 8 से माइनस करूँगा, तो 4 का डबल 8 क्या हो गया, 0। ठीक है और एक नंबर ले लेते हैं सपोज 875, ये बताऊंगा मैं अभी आपको, यहाँ पे 5 है लास्ट डिजिट है ना, तो लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए कितना 10, और यहाँ माइनस कर दीजिए 87 से, क्या हो जाएगा 77। तो देखिए किसी भी नंबर को आपको चेक करना है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर लास्ट में 0 आए या 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आए तो वो 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे 84 भी डिविजिबल है। ठीक है ये सेक्शन थोड़ा टेढ़ा बना देता ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे 84 भी डिविजिबल है और 875 भी डिविजिबल है, क्यों 84 का ये प्रोसेस फॉलो करते करते क्या आ गया, मैं 0 में पहुँच गया, 0 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे भी देख के 7 से डिविजिबल वाला नंबर आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, सपोज 168 सेक्शन बना दिया है ना, 8 का डबल कीजिए कितना आता है 16, क्या आ गया 0, डेट मीन्स क्या ये 168 जो है ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है एक और देख लेते हैं, ठीक है यहाँ पे सेक्शन कीजिए, ये देखिए है ना, यहाँ पे एक सेक्शन कीजिए, तो ये 8 का डबल कीजिए और 100 से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 84। तो देखिए ये तो देख के पता चल रहा है 84 7 से डिवाइड होता है ना, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, तो ये तो मुझे पता चल रहा है देख के, तो या तो देख के पता चल जाएगा या आप इसको और एक बार कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है मेरे को 7 से ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप लोग इसका वो सेम प्रोसेस और एक बार फॉलो कीजिए, यहाँ सेक्शन कर दीजिए, 4 का डबल कीजिए कितना आएगा 8, अब देखिए 8 - 8 = 0, 0 आ गया, दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं ये प्रोसेस फॉलो करूँगा, ठीक है लास्ट डिजिट को मैं क्या करूँगा डबल करके उसके आगे वाले डिजिट से माइनस करूँगा, और अगर मेरा 0 आ गया तो वो 7 से जा रहा है, या अगर लास्ट में जो आंसर आ गया वो 7 से डिवाइड होने वाला हो गया या 7 से डिवाइड होने वाला आया, दैट मीन्स फिर भी ये 7 से जाएगा। ठीक है जैसे कि यहाँ पे ये 7 से जा रहा है, 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 ओके ठीक है। तो चलिए होप करता हूँ आपको 7 का समझ में आया, अब 8 का करते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा घर पर, ठीक है दूसरा नंबर लेके 8 का 4 का थोड़ा सिमिलरिटी है, बस डिजिट्स में फ़र्क है। ठीक है 8 में क्या है आपका, अगर लास्ट का 3 डिजिट 0 है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है
सपोज 3400 है, इसका मतलब इसका लास्ट 10 डिजिट 0 है ना, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ये 8 से डिवाइड होगा। ओके, वो रखे अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से जाता है तो भी ये डिवाइड होगा, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से जाता है, सपोज 9 2 6, ठीक है, 2 2, चलो 9 2 6 2 1 6 है सबसे, ठीक है, तो देखिए ये मुझे चेक करना है कि 8 से जाता है कि नहीं, तो मुझे क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है, ठीक है, और चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है, तो देखिए 8 2 16 और आपको बच गया 5, 8 7 56, देखिए 216 8 से जा रहा है, अगर 216 8 से जा रहा है लास्ट का 3 डिजिट, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा 8 से जाएगा, ठीक है, आप लोग ये घर में चेक कीजिएगा, ठीक है, होप करता हूँ समझा पाया। अब नेक्स्ट करते हैं 9 का, है ना, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, तरीका मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 8 का भी हो गया, अब 9 का, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 3 का है वैसे ही, सपोज 2 9 1 है, मुझे चेक करना है, ठीक है, ये 9 से जाता है कि नहीं, तो मुझे तीनों का सम करना पड़ेगा, देखिए 9 प्लस 2 है ना, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, अगर ये जो आंसर आ रहा है सम करके, ठीक है, वो 9 से गया तभी ये पूरा 9 से जाएगा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो है नहीं जा रहा है, 9 से 12 नहीं जाता, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से नहीं जाएगा, ठीक है, अब एक और नंबर लेता हूँ 2 9, ठीक है 7, तो आप देखिए यहाँ पे इनका प्लस कीजिए 2 प्लस 9 है ना, डिजिट्स का सम कीजिए, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 18 तो भाई 9 से जाता है, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब ये भी 9 से जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका सम निकालिए, उसका डिजिट्स का सम कीजिए, सम करने के बाद आपको क्या करना है, 9 से चेक करना है वो डिवाइड होता है कि नहीं, अगर सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो बड़ा से बड़ा नंबर 9 से डिवाइड है, ठीक है, या 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर, ओके, अब आते हैं हम लोग 10 का, ठीक है, कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 0 है ना तो वो प्रॉपरली 10 से डिवाइड होगा, सपोज 360 ये 10 से डिवाइड होगा, और क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा और साथ में क्या होगा, एक जीरो कट जाता है, सिंपल सा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सपोज 260 10 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 26, ठीक है, ओके, अच्छा कोई नंबर जो है जिसका लास्ट में जीरो नहीं है, सपोज 266 है ना, तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता लेकिन एक पॉइंट लेफ्ट साइड आ जाता है, दैट मीन्स क्या 26.6 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, सपोज यहीं पे देखिए 362 डिवाइड बाय 10, तो ये तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता तो क्या हो जाएगा, 36.2, एक एक डेसिमल लेफ्ट में आ गया, ठीक है, तो मैंने ऐसे भी सिखा रखा है ये, तो तब तक के लिए आज के लिए काफ़ी है ना, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा से सीख पाए आप लोग अगर, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपका लाइक करने पर, और तो मैं फिर क्या होगा और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।